बहुत ही नमस्कार सर, आप लोग वेलकम बैक टू चैनल। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका अपना देव। देखो अभी जो जा रहे हैं हम लोग बनारस, और बनारस किससे जा रहे हैं, वंदे मातरम एक्सप्रेस जो नई आपको मतलब नई चालू हुई है, और बहुत ज़्यादा इसका ना मतलब अच्छा अच्छा सुनने को आ रहा है। मम्मी पहली बार बैठी, मम्मी को पता भी नहीं कौन सा वाली ट्रेन है, पर ये ट्रेन अच्छी ना मेरा नोटम खूब हुई ट्रेन है दिल्ली थी के बनारस। हमने पीछे ने एराम लगे एडवांस ट्रेन दे दी है बहुत ज़्यादा, अभी जाके देखते हैं किस तरीके से वो बनाए हुए। अभी जो है ना, अब नेक्स्ट कम से कम 10 से 15 व्लॉग शायद उससे ज़्यादा ही होगा, उसमें थोड़ा बंगाली टच है क्योंकि मम्मी मेरे साथ घूमने जा रही है। हम लोग काफ़ी लंबा ट्रिप है और ये 10-15 दिन का ट्रिप होने वाला है, क्योंकि मम्मी मेरे साथ अभी कंटिन्यूसली हम लोग यहाँ से जो प्लान बता रहा हूँ, अभी बनारस, बनारस से गया, गया से जाएंगे कलकत्ता, कलकत्ता से दार्जिलिंग, ये प्लान शेड्यूल हमने कर रखा है। अब आगे देखते क्या होता है, लेकिन चैनल पर सब्सक्राइब कर लेना। और वहाँ कैमन लग से खूब भल लग से खूब भल लग से हाँ बनारस जावर मन छो छो तो अनेक दिन इच्छा। अच्छा कैन देखो एक चीज़ बता दो, मम्मी को ना मतलब तीर्थ स्थान से कुछ ज़्यादा ही लगाओ। मैं मम्मी है ना कृष्णा ठाकुर और इन सबको बहुत ज़्यादा भक्त है, तो जितने मैंने भी सोचा यार जब तीर्थ स्थान में जा रहे तो मम्मी को भी लेते हैं। मम्मी बोलेगी बेटे ने करा दिए तीर्थ, वैसी वाली चीज़ है। चलो तुम्हें आगे देखे जो ट्रेन था, अरे मम्मी एडवांस, तो ये आ रही है अपनी ट्रेन। अच्छी चीज़ है यहाँ पे लेग स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और इस लोग अच्छा ये भी है। देखो फर्स्ट इंस्प्रेशन की बात करूँ तो मुझे ऐसा लगा कि ये इंडिया की ट्रेन है ही नहीं। क्यों बोल चाहूँ मैं और मम्मी, मतलब मम्मी से मेरे साथ तो मम्मी ने मतलब ट्रेन में ट्रैवल किया है, बट ये वाला जो फील है वो अलग है। तुम्हें सही में लगा कि एकदम से ना इंडियन रेलवे ने फ्यूचर में बहुत बड़ा कदम मारा है, इस वाले रेलवे को इतना एडवांस बना के इसकी लाइटिंग से लेके स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग इंटीरियर बहुत सही बना रहे, इवन जो सीट के सिलाई वगैरह कंफर्ट भी काफ़ी अच्छा है। अम्मा तुम्हें क्या मन लग लो एरम ट्रेन प्रथम ही चढ़ा होता है, एरम ट्रेन प्रथम ही जे इंडिया तो देखा जा सुंदर एत साफ सफाई रखार जगह आलदा बोतल रखने की जगह अलग प्रत्येक टेबिल आलदा प्रत्येक केबिन अलग। अब बात करते हैं कैपेसिटी, एक साल 1000 लोगों को ये पैसेंजर लेके जाती है, और ये दिल्ली टू बनारस मैंने ले रखी है, और सबसे फास्टेस्ट वे बनारस पहुँचने का दिल्ली से अब तक का यही है। देखो बनारस अप्रोक्सीमेटली 850 किलोमीटर पड़ता है, और ये आपको 8 घंटे में पहुँचाती है, तो इसकी जो स्पीड 120-130 ऐसे करके ये भगाती है, इतनी तेज़ ये जाती है। बाय, थैंक यू, बाय, थैंक यू। अरे पकड़ ये मम्मी का ये कागज़ किस चीज़ का, दवाई के। एक्चुअली मैं ये वाला बैग घर पे ही भूल गया, तो भाई वापस घर गया और फिर वहाँ से ले गया। थैंक यू सो मच भाई, तू ना था तो मेरा क्या होता, और मैं क्यों नहीं होता यहाँ पूछ रहा है इसे। जय कृष्णा भाई। जब ऐसे जा रहे होते हैं ना तो घर वाला थोड़ा मिस इमोशन वाला मोमेंट होता है, थोड़ा लगता है भारी भारी सा हो जाता है। इसमें दो तरह का टिकट होता है, एक होता है फर्स्ट और सेकंड, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं एग्जैक्टली, पर दो टिकट होते हैं, एक 1700 का होता है और एक होता है आई थिंक 3400 का होता है फर्स्ट, पर दोनों में स्लीपर नहीं होता। पहले मुझे लगा था कि उसमें स्लीपर है और इस पर स्लीपर नहीं है, बट दोनों में से किसी में भी स्लीपर नहीं मिलता, हमें बैठ के जाना है पूरी जर्नी, पर कोई बात नहीं, 8 घंटे का सफ़र है, बैठे बैठे निकाल देंगे। अगर न्यूज़पेपर भी दिया जा रहा है, न्यूज़पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों प्रोवाइड कर रहे हैं जो अच्छी बात है। दरवाजे बंद होने वाले हैं, वाराणसी जंक्शन, नेक्स्ट स्टेशन कानपुर सेंट्रल। अभी अभी ये वाला न्यूज़पेपर उठाया और इसका फर्स्ट हेडलाइन पढ़ो, फेसबुक बाबा व्हाट्सएप पे क्या किया तुमने, तुम्हारे में हैकर की कॉलिंग आ सकती है, ऐसा लिखा है, मैं नहीं बोल रहा, और एकदम फ्रंट पेज पे। इसका अपने लिखा हुआ है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मुझे तो इस श्लोक में ही फंडा गलत लगता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी को बचाने की जरूरत है, जो ये लोग हरते हैं जो लौंडो को 2 थप्पड़ लगाने के लिए, लौंडो को लगाओ 2 थप्पड़ और इसको सिखाओ सही तरीके से, उनको बचाने पहले से वीक घोषित कर रहे हो बेटी बचाओ, तो मैं लगता है उन्हें ज़रूरत है, उससे अच्छा सही एजुकेशन लॉन्डो को दो, वो सुधर जाएंगे, तो उन्हें बचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में बताना, जैसे भी आपको फील लगता है।
आई डोंट नो इंडियन वाला किधर है और ये खुलेगा कैसे. ये काफ़ी टाइट है. तो बटन वगैरह है कैसे. गेट बहुत ज़्यादा टाइट था बट बाथरूम काफ़ी क्लीन और काफ़ी स्पेशियस है. आप यहाँ पे देख सकते हो टॉयलेट सही में काफ़ी साफ है. बाकी अगर मैं बाकी ट्रेनों की बात करता हूँ वो इतना क्लीन नहीं रखते. और अंदर से भी मैंने देखते हुए आ रहा था. मैं C4 से C1 आया और कंटिन्यूसली वो लोग सफाई में लगे हुए हैं. सी और जो बाथरूम यूज़ किया हुआ ये वैक्यूम बाथरूम है जो एरोप्लेन वगैरह में यूज़ किया जाता है. और यहाँ पे उनका हाथ पकड़ने का दिया हुआ है तो ये काफ़ी अच्छा है यार एक्चुअली. तो ही मैं आपसे मिलवाता हूँ इस ट्रेन के कैप्टन से. हाय सर कैसे आप. हाय. तो सर इस ट्रेन में बेसिकली आपका रोल क्या होता है लाइक TT के अलावा. एंड देन किसके अलावा. TT के अलावा जो TT सर होते हैं हमारी काफ़ी इसमें महत्वपूर्न भूमिका रहती है ट्रेन में मैनिंग करते हुए. एक तो पैसेंजर्स का पूरा ख्याल रखना होता है. पूरे कोचेस का ध्यान रखना होता है. क्लीनिंग स्पेशली का ध्यान रखना है क्योंकि स्वच्छ भारत हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है और हमारा भी है. उसका ध्यान रखना है. बाकी और एमिनिटीज़ हैं जिसको हम देखते हैं. कुछ चेंजेस हैं लाइक इसकी पंक्चुअलिटी अच्छी है. फूडिंग अच्छी है. हाउसकीपिंग अच्छी है. थोड़ा डिफरेंट है. पैसेंजर्स को लगता है कि उनके जो पैसा दिया है वो वसूल है. पैसा वसूल है. थैंक यू सो मच सर. आपसे मिले काफ़ी अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन के लिए. सच अ स्वीट पर्सन. और यहाँ क्लीनिंग चल रहा है. सर काफ़ी स्वीट थे और मतलब हंस के ही बात कर रहे थे. तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी कि किस तरीके से ट्रेन. और मैं पर्सनली बता रहा हूँ इंडियन रेलवे ने काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस किया है इस ट्रेन को देख के. और ये जो लॉन्च हुआ है आई एम हैप्पी विद दैट. फैसिलिटी से लेके क्लीनिंग से लेके अभी तक फूड मैंने ट्राई नहीं किया. फूड में एक्चुअली मेरी सीट पर आ चुका होगा बट मुझे सर से बात करना था तो मैं यहाँ आ गया. तो जाके फूड ट्राई करता कि चाय वगैरह किस तरीके से दी जा रही है. कुछ स्पेशलिटी है. बाय द वे मैरीगोल्ड से अपडेट हो गए हम लोग. तो यहाँ हमें चाय सर्व करी गई है और चाय कॉफ़ी दोनों ही हैं. फिर कौन क्या है. और एक्चुअली ये मसाला चाय है. तुम्हें क्या मन लग लो ना. भालो. एक और चीज़ यहाँ पर हम लोग मैरीगोल्ड से अपडेट हो चुके हैं. हमें कुछ अलग तरीके की डेली ओट्स कुकीज़ दी जा रही है. बरसों से हमें मैरीगोल्ड खिलाया जाता था अब दूसरी बात दी जाती. और चाय भी स्पेशल है मसाला चाय. ठीक है देखते हैं किस तरीके से है. हम आज मन तो मैरीगोल्ड ही खेचे जब तक ट्रेन नहीं खेचे इटा अलग था. सो यहाँ पे हमारा लोगों का एक्स्ट्रा मिला तो भी और अच्छा है. एक्स्ट्रा कुछ नहीं है. मजाक कर रहा था. नहीं मजाक की बात नहीं जो हकीकत है वो. तो यहाँ पे हमें सर्व किया जा रहा है एप्पल जूस चाय व जूस. हाँ आपका सुबह का नाश्ता आ गया. तो यहाँ पे दो चीज़ ऑफर करते हैं जूस या चाय. तो हम लोगों ने सबने जूस एक्सेप्ट किया क्योंकि चाय हम ऑलरेडी पी चुके हैं. तो यहाँ पे फूड में भी आपको दो ऑप्शन दिया जाता है एक वेज एक नॉन वेज. तो मैंने लिया नॉन वेज. मम्मी ने लिया है वेज. अब देखते हैं नॉन वेज में पूछा मैंने क्या तो उतारते आपको ऑमलेट मिलेगा सुबह के नाश्ते में. इसकी स्पेशल पैकिंग की हुई है स्पेशली इस ट्रेन के लिए. बाकी किसी ट्रेन में ऐसी पैकिंग होती नहीं है. आई एम हैप्पी कि उमा कैमन लगते देखते ऐसा फूड का क्वालिटी अभी मुझे पता नहीं किस तरीके से बट पैकिंग और देख के आई एम सेटिस्फाई. आई
अभी सारा फूड ही फ्रेश है और जिस चीज़ को गर्म होना चाहिए वो गर्म भी है, अंडा गर्म है, वो जो बड़ा बोलते पता नहीं क्या बोल रहे हैं वो भी गर्म है पर ज़्यादा भी गर्म नहीं है। इट्स लाइक ये ताज़ा कुक किया। 5 hours later. ओह ये लिफाफे में इन्होंने लव लेटर दिया है हमें। अच्छा पनीर, दाल, सूखा सब्जी। तो यहाँ पे जो फूड की जो पैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और दूसरे ट्रेन से काफ़ी ज़्यादा अलग है। इन्होंने काफ़ी अच्छे से सर्व भी कर रहे हैं और खाना गर्म है, खाना गर्म अच्छे तो मैं तो सब गर्म, हाँ खाना गर्म आ रहा है, नाइस। एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है स्टैंड के साथ, खाने से लेके फूड तक। एक चीज़ जो अच्छी नहीं लगी वो थी चेयर, एक चीज़ मुझे जो अच्छी नहीं लगी वो थी चेयर। प्रॉब्लम इसमें ये है कि ये एडजस्ट नहीं होता है, अगर इसमें एडजस्ट वाला होता तो और अच्छी चीज़ होती, लाइक रिक्लाइन डिक्लाइन करके अगर ऑप्शन होता तो भाई क्या ही कहना, क्योंकि देखो 8 घंटे का सफ़र है, नींद आई जाती है और तुम्हें इसी तरीके से बैठ के सोते रहना पड़ेगा। और अभी हमें उतरने का टाइम हो गया, बाहर जाके बताता हूँ कि मैं 10 में से कितने पॉइंट देता हूँ, बाथरूम से लेके फर्स्ट तक, फ्लोर तक, छत तक, सब कुछ तुम्हारे भाई ने फुल एक्सपीरियंस किया, बाहर जाकर तुम्हें शेयर करता है। तो मैं देता हूँ इस गाड़ी को 10 में से 9 पॉइंट, क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट उसी का कट रहा है जो मेरे रिक्लाइन चेयर ऑप्शन तो अच्छा होता बट नहीं है, फिर भी ओके है, इट्स फाइन। आई होप देवंशी वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी तो लाइक कमेंट और शेयर करना, या इस टाइम लाइक की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो अगर तुम देख रहे हो तो एक लाइक ठोक दो, तुम्हें क्या जा रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, बाय बाय, वाराणसी पहुँचो, पहुँचते ही क्या स्वागत करवा रहे हमारा, दे भीड़ दे गर्मी, तो पहले बाय बाय, चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं।